तो इस हफ्ते दोस्तों बिग बॉस में आने वाला है न्यू ट्विस्ट, क्योंकि दोस्तों इस टाइम पर रजत दलाल को किया जा रहा है टारगेट। तो ये आप भी देख रहे होंगे और आपको पता भी लग रहा होगा दोस्तों क्या चल रहा है बिग बॉस में इस टाइम पर, क्योंकि दोस्तों यो जो बंदा है वो अकेला ही इस टाइम पर बिग बॉस में ट्रेंड कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि दोस्तों ये ही बढ़िया खेल रहा है, क्योंकि दोस्तों ये इस टाइम पर इसी की बिग बॉस में सबसे ज़्यादा फाइट हुई है और सबसे ज़्यादा ये ट्रेंड करने वाला है। और जो पिछले हफ्ते रहे हैं उसमें भी ये किंग रहा है बिग बॉस का, वीकेंड का। तो दोस्तों ये आप भी जानते हो और हमें आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं चाहत पांडे की वजह से ये दोस्तों इनकी फाइट ज़्यादा होती है पिछले हफ्तों में, क्योंकि आपने देखा भी होगा अविनाश और शहजादा इनके साथ भी ज़्यादा फाइट हुई है और विभिन के साथ भी इनकी फाइट हो चुकी है। तो ये दोस्तों अकेला बंदा है जो हर किसी से हर की फाइट कर लेता है। तो अब देखते हैं दोस्तों इस वीकेंड के वार पर सलमान खान इनको करने आए हैं एक्सपोज्ड, तो उसमें दोस्तों इनको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है और उसमें साफ साफ पता लग रहा है जो सलमान खान ने रजत दलाल से बोला है कि आपकी जो हेडलाइन होती है उसके अंदर वैसा कंटेंट नहीं होता है, यानी कि जो आप ऊपर से हैं वो आप अंदर से नहीं है किसी के लिए, और जो आप दिखावा कर रहे हैं आप हर किसी को धोखा देते हैं और आप रियल नहीं हैं, उनको ऐसा दिखाया जा रहा है। और यहाँ दोस्तों जैसे कि दोस्तों आपको बता दें यहाँ वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है और हो चुकी है दोस्तों, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा प्रोमो, उसमें दिखा भी दिया है दो कंटेस्टेंट वाइल्ड कार्ड एंट्री ले चुके हैं घर में। अब उसके बाद दोस्तों देखते हैं क्या होता है बिग बॉस में, क्या ट्विस्ट आता है और उनके जाने के बाद। और जैसे कि देखा होगा आपने एलिस को भी यहाँ पर एक्सपोज्ड किया गया है, उनका पास्ट को बताया गया है। तो जैसे कि आपने देख लिया होगा और आप देखते भी रहते होंगे, तो आगे की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं और ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए।